हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाश और इससे संबंधित कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बताया था, इस वीडियो में हम मूलतः प्रकाश के परावर्तन की घटना के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखिए, परावर्तन होता क्या है। जैसे दैनिक जीवन में आप अधिकतर क्रिकेट खेलते हैं, जब किसी गेंद को आप किसी दीवार पे मारते हैं तो गेंद दीवार से टकराकर पुनः आपके पास वापस आ जाती है, यही घटना परावर्तन कहलाता है। वो गेंद का परावर्तन था, यहाँ हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, प्रकाश एक किरण के रूप में चलती है। जब यह किरण किसी अपारदर्शी चिकने सतह से टकराएगी, ध्यान देना, जैसे कांच है, कांच के एक तरफ हम कलई कर देंगे, जिससे ये अपारदर्शी हो जाए, यानी किरण इसको पार नहीं कर पाएगी। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, क्योंकि इसके पार नहीं जा सकती, अतः यहां से टकराकर पुनः वापस आ जाएगी। और प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देना, परावर्तन की इस घटना में इस प्लेट पर हम आप एक हाइपोथेटिकल लाइन लेते हैं, काल्पनिक रेखा जो 90 अंश पर होती है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है तो इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंस रे। और क्योंकि ये परावर्तन की घटना के बाद किरण बाहर जा रही है, इसलिए इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये कोण आपतित किरण और इस अभिलंब दोनों के बीच बना हुआ कोण है, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। और ये कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना है, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। और इस कांच के जिस पृष्ठ पर यह घटना हो रही है, इस पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। एक बार इसको ध्यान से समझते हैं। जैसा कि हमने बताया, प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश की किरण का किसी समतल चिकने अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो, इसके दो नियम हैं मूलतः। जो किरण इससे टकराती है यह किरण कहलाती है आपतित किरण, और परावर्तन के पश्चात यह किरण जा रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण तथा अभिलंब इसके बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण से बन रहा है, और अभिलंब और परावर्तित किरण इसके बीच जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है। यहां पर दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु जिस पर, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही
पर स्थित होते हैं। साधारण भाषा में समझे, कहने का मतलब यही है कि एक तलीय घटना है, जैसे ये हाथ है या फिर कोई भी एक क्यूबिक है, समझ लो ये डस्टर है, इस पे देखो छह तल होते हैं, एक तल और इसके जस्ट विपरीत ये दूसरा तल है, सामने तीसरा तल और इसके जस्ट पीछे ये चौथा तल है, ये पांचवा और ये छह, इस पे छह तल है। अब मान लो ये अपारदर्शी है, तो प्रकाश की किरण जब इस तल पर आपतित होगी तो इसी तल से वापस आ जाएगी, कहने का मतलब जिस तल पर आपतित हुई है उसी तल से वापस निकल गई, ऐसा नहीं है किसी दूसरे तल से निकल रही, जिस पे आई उसी से बाहर निकल गई। तो जो हम अभिलंब खींचेंगे वो जिस पे आपतित हो रही है जिस बिंदु पर, वो आपतन बिंदु भी इसी तल पर है और हम अभिलंब भी इसी तल पे खींचेंगे। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम इसका ध्यान दो, जैसे आप गेंद अगर दीवार पर मारते हो, जब आप गेंद को सीधा मारते हो तो गेंद सीधा आपके पास आती है, अगर आप थोड़ा सा तिरछा होकर गेंद मारते हो तो जितना आप इधर तिरछा होंगे उतना गेंद इधर से निकलती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है गेंद काफी बड़ी होती है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो जाता है और यहाँ प्रकाश की किरण अति सूक्ष्म होती है, तो यहाँ पर ज्यादातर फ्रैक्शन की घटना नहीं हो पाती है। ठीक, तो यहाँ पर जब आप प्रकाश की किरण टकराएगी इस अभिलंब से, अभिलंब से जब प्रकाश की किरण जितने अंश पर टकराएगी उतने ही अंश से बाहर निकलेगी, कहने का मतलब है कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस नियम को हम ऐसे लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि इस अभिलंब से जितने अंश के कोण पर आपतित किरण टकराएगी उतने ही अंश के कोण से यह आपतित किरण बाहर निकलेगी। ठीक, यह समझ में आ गया। अब यहां पे आप ध्यान दो, आगे हम पढ़ते हैं दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर। जो दर्पण हम कांच से बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हो कांच पूरी तरह पारदर्शी होती है, तो उसको हम दर्पण बनाने के लिए उसके दूसरे सतह पर लाल ऑक्साइड या पारे का लेप लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपारदर्शी हो जाती है। अब उससे परावर्तन की घटना होगी, यहां पे दर्पण दो प्रकार के हो जाएंगे, एक होगा आपका समतल दर्पण, इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा होगा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। दर्पण दो प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होगा, यह सीधा बिल्कुल कांच है, इसके एक तरफ हम लेप लगा देंगे, यह हमारा हो गया समतल दर्पण। और यह मान लो कांच का कोई गोला है खोखला, इसे हम यहां से मान लो काट लेते हैं इसको इस तरह से, यह हमारा एक गोली दर्पण हुआ। अब इसमें दो होंगे, एक होगा अवतल और एक होगा उत्तल, अभी हम आपको समझाते हैं अवतल और उत्तल कैसे होगा। पहले समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, फिर गोली दर्पण द्वारा पढ़ेंगे। ध्यान दो, समतल दर्पण द्वारा
जैसे आप पिछले समझे थे वैसे ही समझना है। जैसे मान लो इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई इस बिंदु पर, क्योंकि हम परावर्तन की घटना है, इधर दर्पण लाल ऑक्साइड से पेंटेड है तो किरण पार कर नहीं सकती, वापस आएगी। वापस कैसे आएगी? इस प्लेन के 90 अंश पर जो अभिलंब होगा, ये अभिलंब, इसे जितने अंश के कोण पर आएगी उतने ही अंश के कोण से बाहर निकलेगी। ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक, बात समझ में आई? यानी कि जितना कोण इधर आपतन कोण का होगा उतना ही कोण परावर्तन कोण का होगा। अब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सीधी किरण से हम समझते हैं कैसे क्या होगा। जैसे मान लो कोई किरण ये अभिलंब के सहारे आ गई, तो अभिलंब के सहारे आ जाने, अभिलंब से शून्य अंश के कोण पर आई है तो फिर उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। ठीक, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से किरण को जाने में दर्पण तक जितना समय लग रहा है वापस आने में भी उतना समय लगेगा। यानी कि जब आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप जितनी दूर पर है दर्पण के अंदर उतनी ही गहराई पर आपका प्रतिबिंब प्रतीत होगा। जितना आप दर्पण से दूरी जाएंगे दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब उतनी ही गहराई पर प्रतीत होगा। अब जैसे मान लो एक और होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी ये अनंत होती है। अनंत कैसे होती है? अभी हम थोड़ी देर बाद जब गोली दर्पण पढ़ाएंगे तो वहां इसको समझाएंगे। इसकी फोकस दूरी अनंत कैसे होती है? एक बात इसके बारे में और बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपके पास कोई वस्तु है जो 100 मीटर लंबी है, तो इतनी लंबाई की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो इसका ठीक आधा यानी कि 50 मीटर। इस प्रश्न पर आप ध्यान देना कि 100 मीटर लंबी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। और समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है पार्श्व उत्क्रमित, लेटरल इनवर्स होता है। पार्श्व उत्क्रमित का मतलब है प्रतिबिंब की सीधा होगा, जैसे सर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी सर ऊपर ही होगा, लेकिन यहाँ जो बाया हाथ है वो प्रतिबिंब में आपको इस साइड दिखाई देगा, यानी कि साइड उसका उलट जाता है। इसको हम बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमित। इस प्रकार का इमेज समतल दर्पण में बनता है। अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। ध्यान दो, आप पहले गोलीय दर्पण दो प्रकार का होगा। एक होगा अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ध्यान दो, कॉनकेव मिरर इसको हम बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ये मान लो आपके पास कोई गोला है, यहां से जब आप इस भाग को काटते हैं इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा और केंद्र से यहां तक की दूरी ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। यहां तक का भाग अगर आप काटते हो कि आपका एक गोला है, इसको हम अगर प्रकाश समझाते हैं ये जैसे ना, अब इसके अगर हम अंदर की तरफ लाल ऑक्साइड का लेप लगाते हैं ये अंदर की तरफ, तो अब परावर्तन की घटना इधर हो नहीं सकती, इधर होगी परावर्तन की घटना। तो आप ध्यान दो, अब ये क्या कहलाएगा आपका? ये उभरा हुआ तल है यानी कि उत्तल दर्पण। जो परावर्तक पृष्ठ है यानी